Good to see you. How are you? Good, thank you. क्या बात है, दाढ़ी बढ़ा ली है तुमने? और तुम बहुत स्पोर्ट्स कर रहे हो, दिख रहा है। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ से निकल रहा था तो सोचा जाकर देख लूँ प्लान कहाँ तक हो गया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वैसे आंटी रमिते कहाँ पर? उनका जरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो घर पर ही आराम कर रही है वो। मुझसे कहा कि तुम जाकर आओ, मैंने कहा कि भाई को बोल दो। हाँ लेकिन उन्हें मुझ पर ज्यादा भरोसा है। आई एम सॉरी, मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है तो मैं चलता हूँ। आप लोग कैरी ऑन। ओके, सी यू सून। ठीक है, सी यू। एक बात बताओ, वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की? वो वाली? हाँ? क्यों? वो मुस्कुरा रही है। तुम्हें देखकर? हाँ? चलो अंदर चलो, वही बात करते हैं। हाँ बस यही रोकिए, ये लीजिए। हेलो लैला, वेलकम। ओ थैंक्स, कैसे हो तुम? हमने तुम्हें बहुत मिस किया। लो मैं सूटकेस ले लेता हूँ। ठीक है। ट्रिप कैसी रही? वंडरफुल ओस्मान, बहुत ही अच्छी रही। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनूंगी एक दिन। वो तो तुम हो ही, उसके लिए किसी और से सुनने की क्या जरूरत है? ओ ओस्मान, तुम बहुत ही प्यारे हो। अच्छा ये क्या है? ये वीगन बॉल्स बनाए हैं, मैं तुम्हारी मॉम को ही देने जा रहा था, तुम्हें ये पसंद आएगा, तुम भी वीगन हो ना। वीगन बॉल्स, ग्रेट आइडिया है। क्या बात है उस्मान, तुम तो बहुत ही इनोवेटिव निकले। अरे नहीं, हमने बस एक ब्रांड बनाने की छोटी सी कोशिश की है, बस देखते आगे क्या होता है। सुपर, मेरा जो सेमिनार था वो अंकारा में इसी पर था, इनोवेशन और ब्रांड क्रिएशन पर। मैं तुमको जरूर बताऊंगी कि ये कैसे होता है, शायद इसमें तुम्हारी हेल्प हो जाए। बहुत ज्यादा खुशी होगी लैला, थैंक यू। अरे दोस्ती इसे ही तो कहते हैं। तुम भी ना उस्मान, तुमने सनीम के लिए कितना कुछ किया है, वो सब कुछ मुझे बहुत अच्छे से याद है। सही कहा, दोस्ती इसी को कहते हैं। आज शाम को मिलते हैं, क्या कर रही हो तुम, चलते हैं कहीं पर साथ में।
उस्मान मिल तो सकते हैं लेकिन आज थोड़ी बिजी हूँ, मुझे देर हो सकती है। ऐसा करते हैं, कल सैटरडे है, हम अच्छे से मिलते हैं, कोई हड़बड़ाहट भी नहीं होगी हमारे मिलने में, है ना? हाँ चलेगा, सही है, तो कल मिलते हैं। बिजनेस को लेकर तो तुम काफी सीरियस लग रहे हो उस्मान, मुझे ऐसे सीरियस लड़के बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये लो ये पकड़ो। थैंक्स, ब्रावो उस्मान, ब्रावो। मिलते हैं उस्मान, टेक केयर, बाय। छा गए तुम तो उस्मान, छा गए, तुम्हारा जवाब नहीं। मिस्टर जान, आपने बुलाया मुझे? गुलेज, मैंने देखा कि तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया है, क्या वैसा ही ब्रेकफास्ट मेरे लिए बनाओगी? और हाँ, उसके साथ ऑरेंज जूस लाना भी मत भूलना। ऑफ कोर्स मिस्टर जान। एक्चुअली मॉर्निंग में एक्सरसाइज हो जाती है तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्या बात है मिस्टर जान, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। जल्दी रहो, जल्दी। ठीक है, अभी लाती हूँ आपका ब्रेकफास्ट। आपका ब्रेकफास्ट। बहुत अच्छा है आमरे, दिस इज रियली गुड। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लेमान। ओके, अब मैं जरा जान से मिलता हूँ क्रिएटिव पार्ट के लिए, ठीक है? अच्छा ठीक है, वो अपने केबिन में ही है। ओके, सी, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। हाय लेन, बोलो। एमरे, तुम मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है, है ना? मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं अभी काम में बहुत बिजी हूँ, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? हाँ, मैंने कहा था ना मुझे चीजों को समझने के लिए वक्त चाहिए। एमरे, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ, सॉरी। तुम्हें तो कॉल करके डिस्टर्ब करती रहूंगी एमरे। मैं अपने दिन की प्लानिंग करके रखता हूँ, एक्सरसाइज करना, मीटिंग, खाना, स्पोर्ट्स खेलना, हर बात मैं एजेंडा में लिख कर रखता हूँ। रियली, ये तो काफी अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाता। और तुम? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं वही करता हूँ जब जो करने का मेरा मूड होता है, दैट्स इट। अब देखो 20 मिनट हो चुके हैं, अब हमें अपना काम शुरू करना चाहिए, चलो शुरू करते हैं। 20 मिनट हो गए? तुम जानते हो कि कंपनी के ऑर्गेनिक ब्रांच का काम मैं संभालता हूँ। हाँ मुझे पता है, पता है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिक बाजार की बात हुई थी क्या यहाँ पर? हाँ। ये तुम्हारा प्रपोजल था? पर माँ ने तो बताया था किसी सनम का आइडिया था ये। हाँ, वो सनम का ही आइडिया था। वेल, मैं सारे डिटेल्स के सिर्फ नोट लेने आया हूँ, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तुरंत ही, मुझे काम है। एंड बिलीव मी, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ पर रुक सकते हो। माँ ने कहा था कि मैं तुमसे और सनम से साथ में बात करूँ, सनम वो अभी आ सकती है? आपकी कॉफी सर। थैंक यू सो मच। बॉन एपिटीट मिस्टर जान, ये लीजिए आपकी कॉफी, मैंने इसमें शुगर नहीं डाली क्योंकि आप शुगर नहीं लेते। आपने जेजे से कहा कि चाय लेकर आओ, मैंने कॉफी लाई है, मैंने कॉफी पी है, बहुत अच्छी है, कभी कभी ऐसे चेंज होना अच्छा होता है। ये सलाह मैं आपको देना चाहती हूँ। सनम, आई होप तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है। आप सनम है? ओह, व्हाट अ सरप्राइज, हम लोग अभी आपकी ही बात कर रहे थे। हाय, मेरा नाम लेवेंट है। नाइस टू मीट यू मिस्टर लेवेंट। क्या हम तीनों मिलकर यहाँ मीटिंग कर सकते हैं अभी? मीटिंग? लेकिन किस बारे में करनी है? वेल, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के बारे में है, मैं मिसेज रिमेट का बड़ा बेटा हूँ। रियली? ठीक है, तो फिर ट्रे रखकर मैं नोटबुक लेकर आती हूँ, मैं आती हूँ, फिर मीटिंग करते हैं। ओके ठीक है। जान। हाँ। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। इसने मुझे कॉफी क्यों दिया? क्या ये मुझे पसंद करने लगी है क्या? नहीं नहीं लेवेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे यकीन है। मुझे ऐसा नहीं लगता, बुरा मत मानना, ऐसा नहीं है।
Absolutely not. लैला, तुम वापस आ गई ना बेटा? जी डैड, मैं आ गई हूँ। मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। ओ डैड, ओ मेरी बेटी हो, मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही थी, बहुत याद आ रही थी, तुम जानती हो। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप भी मुझे मिस कर रहे थे ना? हाँ बेटा, ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और तुम्हारी माँ तो पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे नाम की रट लगा के रखती है, लैला लैला लैला। ओ, मैं समझ सकती हूँ डैड, वो मुझे हर आधे घंटे में कॉल करती थी और लोग सोचते रहते थे कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ। कॉल करके बताती थी कि मैं शॉप पे जा रही हूँ, मैं अभी उनसे ही मिलने जा रही हूँ। चलते डैड, मैं शावर लेके आती हूँ, मुझे फ्रेश होना है। ठीक है बेटा, मैं अभी आई। ठीक है डैड, मॉम हमेशा ग्रोसरी शॉप पे ही क्यों होती है और आप घर पे? उसके बिजनेस वुमन बनने के चक्कर में मेरी दुकान छीन ली। डैड, आप भी ना हमेशा सरप्राइज ही देते रहते हैं, मैं आपको 2 दिन का वक्त देती हूँ, आप चेंज हो जाइए। ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है ये। मुझे लगता है ये कांच साफ करनी चाहिए। मिस एलन, लोग पैसों के लिए कॉल कर रहे हैं, उन्हें एक डेट तो देनी होगी ना? उन्हें कोई जवाब मत दो। मैं इन्हें डेट्स नहीं दे सकती हूँ, मैं घर से काम कर रही हूँ ना, और तुम ये बात अच्छे से जानती हो। ऑटोमोबाइल कंपनी का तो मेल भी आया था ना, उन्हें तो हमारा प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया ना, उनके साथ काम करते हैं ना हम, एक्सेप्ट कीजिए ना। नहीं कर सकती, उसके लिए बहुत पैसा लगता है, पता है ना तुम्हें, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत सारे पैसे लगेंगे, समझ गई? मुश्किल है लेकिन सच्चाई। समझ गई। जरा जाओगी, मुझे प्राइवेट बात करनी है। जी ठीक है। सेवल, कोई अच्छी खबर सुनाना प्लीज। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, तुम्हें कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, उन्हें शक है तुम पर। ये कैसे हो सकता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? ओके, थैंक यू सो मच। हेलो, एक बार फिर से हेलो मिस्टर लेवन। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद है, सना मैं से बात करते वक्त झिझकना मत। तुम तो जानते हो कि 46th एनिवर्सरी पार्टी में तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है सनम, ये आदमी अगर डरपोक निकला तो ये 2 मिनट में भाग जाएगा, और अगर तुम ऐसा करती रही तो कुछ नहीं कर पाओगी। ठीक है, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो सनम, ठीक से करो। नहीं सनम, तुम करोगी। ये कौन है? अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो, तुम एक स्ट्रॉन्ग, होशियार और टैलेंटेड लड़की हो, तुम तो मिस्टर जान को भूल भी गई हो, ब्रावो सनम। अब जाओ और अपने प्यार को पाओ। मुझे लगा तुमने रिजाइन कर दिया। मिस डेरन, माफ करना, मैंने आपको देखा नहीं, मैंने सोचा आपने भी रिजाइन कर दिया होगा। सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मिस्टर जान के केबिन में जा रही हूँ मीटिंग के लिए। ऐसी कौन सी मीटिंग है, मुझे तो कुछ पता नहीं। तो आप मिस्टर जान से पूछिए, वो अच्छे से बता पाएंगे इस बारे में। हैव अ नाइस डे। अरे इसकी एटीट्यूड तो देखो। ये रहा आपका सामान, और कुछ चाहिए? ये रहे आपके पैसे, दोबारा जरूर आइए। शुक्रिया। हाँ जी, मैं जरूर आऊंगी। अपना ख्याल रखिए। जी शुक्रिया, बाय बाय बाय। अरे मॉम, आप तो बिजनेस वुमन बन गई, क्या बात है, कैसी हैं आप? अच्छी, कैसी हो तुम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। तुम्हारा वजन कितना कम हो गया है,
और ये तुमने काली ड्रेस क्यों पहन रखी है? तुम पर अच्छी नहीं लग रही है, क्यों पहनी बताओ? ओ मॉम, इन दिनों मैं काली ड्रेस पहन रही हूँ, ये मुझ पर अच्छी लगती है और मुझे बिजनेस वुमन बनना है, इसलिए मैं यही पहन रही हूँ आजकल। वैसे तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। कैसी हो मेयूकी बहन? मैं ठीक हूँ और मेरी शॉप भी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर हम साथ में चाय पी सकते हैं ना? चलो चाय पीते हैं, क्या कहती हो? हाँ अभी चाय मंगा देती हूँ। बेटी तुम पियोगी? नहीं मॉम, मैं पहले ही लेट हो गई हूँ, मैं आपसे बस मिलने आई थी, मैं चलती हूँ। ठीक है, आपसे बात करते हैं। हाँ हाँ, बहुत इंतजार करेंगे और खास करके तुम्हारी माँ। अच्छा बेटा चलो मिलता हूँ, बाय बाय। बाय बाय, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है। नेहाद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरफ आओ, इधर इधर इस तरफ, नहीं तुम बाहर ही चले जाओ, बाहर बाहर, वही जगह है तुम्हारी, बाहर जाओ। मैं भी यहीं पर बैठती हूँ। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और इस वजह से टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि मुझे बहुत पसीने छूट रहे गर्मी की वजह से। ऊपर वाले के शुक्र से मैंने सारी वीगन बॉल डिलीवर कर दिए हैं, अब बस अच्छे रिस्पांस का वेट कर रहा हूँ। उम्मीद है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, देखना आप। बहुत बढ़िया मुजफ्फर, मैंने भी डिलीवर कर दिए हैं। चलो अब हम उस्मान के यहाँ पर चलते हैं। चलो आ जा। हाँ, चलते हैं उस्मान के, उसे भी एक खबर सुनाते हैं, वो सुनकर बहुत खुश हो जाएगा। हम तीनों मिलकर पार्टी करेंगे। निहात हम तो चाय पीने वाले। वो तुम पियो मेयो की बे। पानी के पैसे कौन देगा? दो। रिश्तेदारी अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह, ये लो। ये सलम कहाँ रह गई जान, मुझे और भी मीटिंग्स करनी है। हाँ तुम काफी पंक्चुअल हो, आ जाएगी आ जाएगी। मिस्टर लेवेंट, सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। ये यहाँ। हाँ ठीक है, अब मैं मीटिंग के लिए तैयार हूँ। हाँ मीटिंग शुरू करनी थी हमें। हाँ मैं तैयार हूँ, बिल्कुल मीटिंग के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए शुरू करते हैं, शुरू करें। हाँ ठीक है सनम, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। तुम प्रेजेंट करो जो तुम्हें प्रेजेंट करना है। क्या हो रहा है डरन? वो लेवेंट है क्या? हाँ एमरे, आज सुबह मैंने लेवेंट को आइलैंड के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देखा था। क्या कह रही हो? आइलैंड हमसे गलीना छीनना चाहती है या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का कैंपेन होगा, मुझे पूरा यकीन है आइलैंड कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। हाँ मेरे भाई को ये बात पता है? नहीं उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए इन्वाइट तो नहीं किया, पर पता नहीं सनम वहाँ क्या कर रही है, उसे क्या समझ आएगा। मुझे कैसे पता चलेगा, जाओ और ज्वाइन करो। और जैसा कि आपने देखा हम ये नहीं कर सकते, अगर ये पूरे कैंपेन के लिए है तो हमको और भी अल्टरनेटिव्स की जरूरत पड़ेगी, ये रिस्क हम नहीं ले सकते। हाय एवरीवन। हाय डरन, डरन हमारी क्रिएटिव मैनेजर है। नाइस टू मीट यू मिस्टर लेवेंट, हम शायद पहले नहीं मिले होंगे। नाइस टू मीट यू टू। ये कितनी इत्तेफाक की बात होगी ना कि मैं भी गलीना प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ और आपको भी इस प्रोजेक्ट में काम करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं भी यहाँ डिटेल मीटिंग के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस थोड़ा आइडिया लेना चाहता था सनम से कि क्या प्लानिंग की है। क्यों नहीं, सनम भी इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ जानती है। थैंक यू मिस्टर एन। वैसे भी हम मिसेस रेमेडे से बात करेंगे, अभी तो हम सिर्फ प्रोजेक्ट पर एक रफ डिस्कशन कर रहे थे। That's it, nothing more. तो ठीक है, मैं भी बाजार प्रोजेक्ट के बारे में कुछ आइडिया शेयर करना चाहती हूँ। सच कहूँ तो मैं यहाँ सनम का आइडिया सुनने के लिए आया था। लेवन, डेरन भी काफी क्रिएटिव सोचती है, तो अच्छा होगा अगर तुम जाने से पहले इसके भी आइडिया सुन लो। ओके, अगर तुम कहते हो तो। बोलो सनम। सर मेरे पास एक और आइडिया है, जैसे कि अगर हम प्रोडक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, जैसे कि ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक, तो हम कस्टमर्स का ज्यादा अटेंशन खींच सकते हैं। मैं इस तरह से आपको समझाती हूँ कि ये जो ऑर्गेनिक है वो रिसाइकल। दरअसल मेरा ब्रांड जो है वो गलीना से काफी अलग है, वो एक नया ब्रांड है और हमें बहुत सारे फायदे देगा।
आप ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के मैनेजर रहेंगे और इस तरह से फैसिलिटीज, प्रोडक्शन प्लांटेशन और कस्टमर प्रोफाइल सब कुछ अलग अलग होंगे। इससे कस्टमर को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक ब्रांड न्यू प्रोडक्शन, बात करो कुछ तो बोलो उन्हें, बोलो उन्हें मिस्टर जान। इसे सीक्रेट ही रखो क्योंकि मैंने आज सुबह इसे आइलिन के साथ देखा है। कुछ भी इन्हें डिटेल्स में मत बताना, ठीक है मिस्टर जान? लेविन, क्या तुम आइलिन से मिले थे? हाँ मिला था, मैं उसके साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पर काम करना चाहता हूँ इसलिए। हाँ तो तुम ऐसा करो कि ये प्रोजेक्ट उसे ही दे दो, हम ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? पूरे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को एक ब्रांड में लाना सनम का ही आइडिया था। या तो तुम हमें पूरा प्रोजेक्ट दो या तुम आइलिन के साथ ही काम करो, और हम ये प्रोजेक्ट आइलिन के साथ शेयर नहीं करेंगे। वेल, ये हमेशा की तरह ही रहेगा, और जान हम तुम्हारे साथ हैं। ओके। मेरी माँ ऐसा कहना चाहती थी, इसलिए मैंने एलिन को कॉल भी किया है। ओके ओके, बता दो उसे। ओके लेवेंट, अगर फ्री हो गए हो तो मिलकर बात कर सकते हैं। ओके, समझ गई, कोई बात नहीं, ठीक है, किसी और दिन। ओके बाय बाय। ऑलराइट, तो हम हमारी अगली मीटिंग में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। यस मिस डेरन, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए थैंक यू। थैंक यू मिस्टर लेवेंट, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर लेवेंट, आई होप कि आप इस मीटिंग से सेटिस्फाइड हो। और क्या हो सकता था, सनम आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं। ओह सनम, एक्सक्यूज मी प्लीज। नहीं, आप मुझे सिर्फ सनम बुला सकते हैं, सब मुझे वही बुलाते हैं। मैं कुछ कहना चाहता था आपसे, आपका फेस कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले कभी मिले हैं। हो सकता है आपने मुझे एनिवर्सरी पार्टी में देखा हो। मैं तो लॉज में था, आप कहाँ थी? पार्टी में, 46 एनिवर्सरी पार्टी में। लॉज में, हाँ वही देखा होगा। हाँ लॉज, लॉज, समझा समझा। हाँ लॉज, हाँ समझा समझा, मैं समझा, लॉज बिल्कुल बिल्कुल, लॉज, हाँ लॉज। लेवेंट जरा सोचो उस रात के बारे में, दाढ़ी थी ना तुम्हारी तब, हाँ थोड़ा याद करने की कोशिश करो, कुछ याद आ रहा है तुम्हें उस दिन के बारे में? दाढ़ी तो नहीं थी ना, हाँ याद आ रहा है कुछ? हाँ थी, दाढ़ी थी मेरी। दाढ़ी थी? कम थी। दाढ़ी थी तुम्हारी? अरे नहीं, मैंने हमेशा। अरे दाढ़ी नहीं थी तुम्हारी? अरे थी मेरी दाढ़ी, मैंने कहा ना। अरे यार सनम कसम से बोल रहा हूँ, इसकी दाढ़ी नहीं थी। हाँ थोड़ा स्टेबल जैसा। अरे मुझे पूरा याद है, इसकी दाढ़ी नहीं थी उस वक्त। जान लेवेंट ने कहा कि उनकी। अरे नहीं थी वो। हाँ ठीक है ठीक है, मुझे याद नहीं। हाँ ठीक है, सच मुझे याद नहीं होगा कि तुम्हारी दाढ़ी थी या नहीं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे याद है कि तुम्हारी दाढ़ी थी। हाँ ठीक है, उसको याद ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हम कल चलकर उस जगह को देखते हैं। मैं वहाँ पहले नहीं गया क्योंकि बहुत सारे रियल स्टेट हैं जो आप नहीं देख पाते हैं। तुम्हारा क्या कहना है, चलना चाहिए हमें? कल सैटरडे है और हम लोग सैटरडे को काम नहीं करते हैं, छुट्टी होती है। बिजनेस बहुत जरूरी है, मैं कल काम कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कल 1 बजे मिलते हैं। ओके, कल मीटिंग करते हैं। ओके, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। See you, Mr. Levin. तुम मुझे सिर्फ लेवेंट कह सकती हो। बाय बाय। See you, Levin. जान? हाँ। See you then. हाँ हाँ। Have a nice day. Take care. Okay, bye. उसकी दाढ़ी नहीं थी, ये दाढ़ी वाली बात बिल्कुल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने दाढ़ी रखी है, इसके पहले वो दाढ़ी नहीं रखता था। And I'm sure, मुझे अच्छी तरह याद है। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा विश्वास करो। मीटिंग खत्म हो गई है, अब मैं चलती हूँ। से चलने को कहा है, इतना पैनिक होने की क्या? क्योंकि मैं अमरे को जानती हूँ, वो कुछ भी आराम से नहीं करता, वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है, पता है? तो फिर तुम्हें अपना घर फिर से गिरवी रखना पड़ेगा, ये समझ लो। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैं अपने पेमेंट्स नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मेरे पास अब यही ऑप्शन बचा है बस। ठीक है, यही करो। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या तुम अमरे से कह सकती हो कि मैं घर गिरवी रख रही हूँ?
क्या कह रही हो? मैं एम्ब्रे को कॉल करूं? हाँ प्लीज डियर, तुम उसकी पोर्टफोलियो मैनेजर हो, तुम ये तो कह सकती हो ना उससे। ये बेवकूफी होगी। क्यों? क्या मैं अपना घर गिरवी नहीं रख रही? इसमें झूठ क्या है? तुम्हें तो बस उसे बताना है। तुम्हें इतना काम नहीं कर सकती मेरा। आई एम सॉरी पर मैं ये नहीं कर सकती। सिविल, इतने सालों से मैंने इतना कुछ किया है तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकती? क्या तुम मुझे ना कहोगी? आइलिन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सिविल, कॉल करो उसे। तुम ये पढ़ो ठीक है? हाँ हेलो, कैसी हो तुम? मिस्टर एम्ब्रे कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ शुक्रिया। मैंने तुम्हारे मेल का जवाब नहीं दिया, बहुत जल्द करूंगा ठीक है? दरअसल काम में बहुत बिजी था तो। थैंक यू सर। मिस्टर एम्ब्रे, मैंने आपको किसी काम के लिए कॉल किया था, पता नहीं ये सही होगा या नहीं, बताऊं या नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या कहना है, कुछ जरूरी बात है क्या? आज मिस्टर एलिन यहाँ आई थी और क्रेडिट के लिए अप्लाई किया है, अपने घर को गिरवी रखा। ये कैसे हुआ? हाँ, आपने वो घर उनके लिए खरीदा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। आई एम सो सॉरी। मैं समझ गया, कॉल करने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है। तो फिर से सनम, फिर से किया ना? ये सब क्या है मिस्टर चांद? अरे फिर से वही सब, फिर से अल्बेट्रोस, अल्बेट्रोस। हाँ क्या कहा? अरे तुमने फिर से अल्बेट्रोस की कहानी दोहरा दी, फिर से वही कर रही हो, अल्बेट्रोस एंड ऑल दैट। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। तुमने नहीं किया? हाँ मैंने नहीं किया, क्यों, क्या हुआ? सही है, बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें गलत क्या, क्या हो सकता है? लेकिन मैं एक बात तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं कि ये वो अल्बेट्रोस नहीं है, और सच में तुम खुद को बेवकूफ बना रही हो। लेकिन आपको कैसे पता है सब कि वो अल्बेट्रोस नहीं है? सनम मैं और क्या कह सकता, मैं और कह ही क्या पाऊंगा, मेरे पास कहने के लिए भी कुछ नहीं है। और हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है कि तुम कल रात मेरे घर पर क्या कर रही थी, क्यों आई थी तुम, हाँ बताओ। ठीक है। हाँ पिछली रात मैं घूमने निकली थी, तो मैं सिर्फ अल्बेट्रोस के बारे में सोच रही थी, फिर मैंने खुद को आपके घर के सामने पाया, लाइट्स ऑन थे इसीलिए मैंने बेल बजा दी बस। मैं एक बात कहूँ, तुम ना बहाने बना रही हो, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज्ड हो गया है या खराब हो गया है? सच में? अल्बेट्रोस, अल्बेट्रोस क्या है ये सब, तुम ऑब्सेस्ड हो गई हो ये अल्बेट्रोस से, सच कह रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली। और तुम्हारे फियांसे उस्मान का क्या, आखिर क्या सोचा है तुमने उसके बारे में? हाँ वो मेरा फियांसे है और हमारा प्यार अभी भी फ्रेश है, पर वो कुछ और ही था। सनम क्या है ये, तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम ये चाहती हो कि मैं पागल हो जाऊँ, बोलो, ये चाहती हो कि मेरा दिमाग खराब हो जाए? और तब तुम अपने अल्बेट्रोस के साथ क्या करोगी? मैंने बताया था कि मैं अकाउंट के बारे में बात करूंगी। अकाउंट के बारे में बात करोगी? हाँ पूछूंगी। हाँ तो फिर ठीक है, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? मेरा मतलब है कि जो सब्जेक्ट में, मतलब क्या जान अंदर है? ये फाइल्स मैं लेकर जाती हूँ और बाद में वापस ले आऊंगी। वेलकम पोलन। थैंक यू सनीम, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, वो मैं काम कर रही थी, आप बात कर लीजिए, मैं आती हूँ। सनीम मेरे लिए जरा कॉफी भी भिजवा दे। हाँ अभी भिजवाती हूँ। हाय पोलिन, हाउ आर यू? हाँ ठीक हूँ। मैं ये फाइल्स कहाँ पर रखूँ? अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो मैं यहीं पर बैठकर काम कर लूँ। हाँ ऑफ कोर्स, काम करने के लिए अच्छी जगह, तो तुम यहाँ पर अच्छे से काम कर सकती हो। तुम्हें कुछ चाहिए, चाय, कॉफी, समथिंग, एनी ड्रिंक? हाँ मंगाई है ना मैंने। ओके हेलो सनम, क्या बात है? अयहान यहाँ चीजें बिगड़ रही है, हमारा झगड़ा हुआ, मेरा और मिस्टर जान का। मुझे तो हार्ट अटैक आना बाकी था, तभी पोलिन आ गई। मुझे लगा कि वो फिर से साथ में आ गई, लेकिन मुझे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मैं मिस्टर जान की कोई परवाह नहीं करूंगी, अब बिना झूठ के जिंदगी जीऊंगी, और वो रिंग उसे तो मैं मिस्टर एम्ब्रे को लौटा दूंगी, क्योंकि अब
मुझे मेरा अल्बेट्रॉस मिल गया है। ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, तुम्हें अल्बेट्रॉस कैसे मिला? बस अचानक से आ गया मेरे सामने और अब सब कुछ अच्छा होगा। मुझे पता है सच में सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। सब कुछ अच्छा होगा। अरे यार, इसका क्या मतलब है कि सब कुछ अच्छा होगा? मैं ये चाय पी पी कर परेशान हो गया हूँ कसम से। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या काम करूँ, कोई काम ही नहीं है मेरे पास। अगर आप लोग कहे तो हम लोग ब्लैक गैम्बिट खेले, क्या मजा आएगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब कर ही क्या सकते हैं, एक काम करते हैं। उस्मान, क्या हम तुम्हारी दुकान को साफ कर सकते हैं क्या, अगर तुम चाहो तो? नहीं अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। लेकिन पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तो फिर क्या करें? हमने कितने सारे वीगन बॉल बनाए और डिलीवर भी किए, लेकिन एक भी ऑर्डर नहीं आया। अजीब बात है। अरे मुजफ्फर, जरा सब्र करो ना, बिजनेस ऐसा ही होता है। हमको जल्दी ही बहुत सारे कॉल आएंगे और हम बहुत सारे ऑर्डर्स भी देंगे। जरा देखो, और इसका फोन है। हेलो, कहिए। मैं उस्मान बुचर बोल रहा हूँ। ओके, अच्छा ठीक है ठीक है। बजा बजा अंकल, देखो मेरा भी फोन बजा। हेलो, हम चल कर आ जाएंगे, लेकिन आपको डिलीवर करके रहेंगे। हाँ ठीक है, हम अभी आपके ऑर्डर्स को पूरा कर देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल भी, हाँ हमारे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। हाँ बोलिए, उस्मान की दुकान से बोल रहा हूँ। नहीं बिल्कुल टच नहीं किया, एकदम वीगन है। 2.5 किलो चाहिए? हाँ हाँ, हमारे पास बहुत है। हाँ हाँ, मैं आपको अभी भेजता हूँ, आप एड्रेस भेजिए ना प्लीज। इसका फॉर्चून टेलर को भेजता हूँ। क्या कर रहे हो जीजे? सनम, सनम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सनम, हाँ तुम क्या कर रही हो? तुम बॉसेस की मीटिंग में क्या कर रही थी? तुम अपने करियर में क्या करना चाहती हो? क्या तुमको निकाल दिया है? क्या तुमने रिजाइन किया है? तुमने क्या किया? आप तुम इस एजेंसी के लिए काम नहीं कर रही हो क्या? फॉर्चून टेलर से तुम्हारा मैसेज है। हाँ हाँ, क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने? मैं इस बिजनेस से पक्की हूँ। और तो वाला एटीट्यूड दिखाती है। अपने में रहा करो सनम, हाँ अपने में, मुश्किल में आ जाओगे वरना याद रखना। मुझे नहीं पता तुम किस लड़की के पीछे पड़े हो, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प जरूर कर सकती हूँ। कौन सी लड़की है, कौन कहाँ है वो? मैं कुछ समझा नहीं, किसकी बात कर रही हो? कौन सी लड़कियाँ, तुम किसकी बात कर रही हो मुझे बताओ। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें मेरी मदद लगेगी। सनम, सनम तुम पागल हो गई हो? अपने आप को संभालो, तुम बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है, आखिर तुम बात क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग ठिकाना है? तुम एक सीक्रेट जानना चाहते हो? क्या कहा, सीक्रेट? नहीं मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहता, उसके बाद मुझे बहुत तकलीफ होगी। मैं सुनाऊंगी। मुझे अल्बाट्रॉस मिल गया। कहाँ पर? ऊपर। ऊपर कौन कौन है? अरे वो है क्या, मिस्टर लेवेंट। वो 46 एनिवर्सरी पार्टी में था और उसने ये खुद बताया, और यही तो उस कप में था कि वो वहाँ पर लिखा था। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्चून टेलर सही है, तुम्हारा मानना है कि उसको सब पता है। ठीक है, मैं कल एक और बार कोशिश करूंगी और देखते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, मैंने उसे 100 लिरास दी है, अगर वो चीटर निकली तो उसको मैं सू कर दूंगा। तुम आके रस क्यों रही हो, जरा बताओ। मैंने तो 20 दिए थे, तुमने तो 100 दे दिए। अरे बाप रे, ये सब हमेशा मेरे ही साथ क्यों होता है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन हो सकता है कि 5 रीडिंग के होंगे, हो सकता है कि उसने इसलिए 100 लिरास मांगे हो। ये 3 दिन में होगा या 3 घंटों में? 3 घंटे या फिर 3 दिन या 3 घंटे, देखता हूँ ना उसने आखिर क्या लिखा है। जान, ये बताओ कि तुम कल ऑफिस आने वाले हो? हाँ कल तो सैटरडे है, लेकिन दोपहर में मैं बिजी हूँ। क्यों? मैंने एक ब्रांड न्यू जगह देखी है, 1 महीने पहले ही उसका रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। तो क्या तुम चलना चाहोगे? मेरे दोस्त पहले से अरेंजमेंट करवा देंगे। श्योर श्योर, हम साथ चल सकते हैं। ठीक है, तो मैं रिजर्वेशन करवा देती हूँ। हाँ करवा लो। मिस्टर जान, मुझे डिजाइन के बारे में कुछ पूछना था आपसे। डेरेक, कैसी हो तुम? बोले हाय। तो ये सरप्राइज समझो, क्योंकि मिस्टर जान ने मुझे इसके बारे में कुछ बताया नहीं कि तुम यहाँ आ रही हो। हाँ बिल्कुल, ये सरप्राइज ही था। वैसे कैसी हो तुम? हाँ तुम हमेशा से ही खूबसूरत लगती हो। अरे नहीं, मैं खुद को तुमसे कैसे कंपेयर कर सकती हूँ? तुम बहुत चार्मिंग हो। और तुम्हारा साइंटिफिक काम कैसा चल रहा है? तुम इस्तांबुल शिफ्ट करने वाले थे? नहीं नहीं, मैं बस एक शॉर्ट विजिट पर ही आई हूँ यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, चेंज बहुत जरूरी है लाइफ में। डेरेन, ओके सी यू।
हाँ वो मिस्टर जान, आपको मेरे साथ चलना होगा, बाजार वाली डिजाइन के बारे में बात करनी है। हमने आइडियाज डिस्कस कर ली हैं और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सनम की है। कल मैं और सनम जाने वाले हैं। आप सनम के साथ जाओगे? ठीक है, तो मैं भी इस बार देखती हूँ कि सनम के साथ क्या अलग होता है। मैं उसके साथ रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल, जो आपको सही लगे। टेक केयर, बाय पोलेन, सी यू। हेलो जी जी, कैसे हो तुम? हाँ सब कुछ ठीक है, वैसे तुम क्या कर रही हो? हाँ काम कर रही हूँ, थोड़ा बिजी हूँ मैं। क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि हमें मिलना चाहिए? अभी तो तुमसे बात हुई, तुम्हारे साथ ही तो थी मैं। हाँ सही है, मैंने इसीलिए कॉल किया, मैंने कॉफी रीडिंग करवाई है। हाँ कॉफी रीडिंग, हाँ इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बताओ क्या कहा उन्होंने? उन्होंने जो कहा वो मुझे समझ नहीं आया। उसने कहा कि अपनी डेस्टिनी की बात मानो, क्या ये समझने में तुम मेरी मदद करोगी? हाँ मुझे लगा कि वो ये कहना चाहती है कि चीजें बहुत आराम से और शांति से होंगी, है ना? मुझे तो ऐसा ही लगता। हाँ, मैं समझ गया, वेरी गुड, मैं सब कुछ समझ गया। अच्छा कल तुम ऑफिस जा रहे हो क्या? अरे नहीं तो? तो कल हम एक सेशन रखते हैं, इसे साइलेंट सेशन कहते हैं। इसमें हम एक दूसरे को बस देखेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, कोई बातें नहीं होंगी। ये लाइफ कोच के लिए इम्पोर्टेंट सेशन है। तो तुम कहना चाहती हो कि आंखें बात करती है? आंखों से बात का मतलब कहना क्या चाहते हो? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ये बहुत ही जरूरी है। समझ गया, मैं कल आऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा कल। हाँ तुम बस मेरा इंतजार करना। ओके ओके, अब रखो फोन तो रखो। तुम रखो ना पहले, इसने तो रख दिया। ये लड़की भी पूरी सरप्राइज से भरी हुई है। बात करते करते मैं बाहर आ गया। मैंने नोटिस ही नहीं किया, बताओ। मिस्टर एमरे, अब मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। थैंक यू हर चीज के लिए। दो मिनट रुको जरा। किस लिए? तुमने कहा था कि तुम वापस नहीं आओगी, फिर अपना इरादा कैसे बदल लिया? तो क्या आप मेरे आने से डिस्टर्ब हो? अरे नहीं नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। मुझे पता है कि तुमको जॉब की कितनी जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जॉब छूट जाए। और मुझे आपको 400 लिराज देने भी तो है। कैसी बात कर रही हो, मेरे लिए वो इतना जरूरी नहीं। मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए मिस्टर एमरे। आपका मुझ पर जो भी कर्ज है वो मैं चुका दूंगी। सनम, अब क्या? ठीक है मैं समझ गया, पर तुमने मुझसे एक प्रॉमिस किया था, याद है ना? और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई के बहुत करीब हो, तो क्या तुम उन्हें सब कुछ बता दोगी? नहीं फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तुम कैसे भाई हो? अगर मैंने उन्हें सब बता दिया तो वो निराश हो जाएंगे। ये गंदा सीक्रेट है, ये हम दोनों के बीच ही रहेगा और कुछ नहीं, समझे आप? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। लैला, सनम, वेलकम। कैसी हो तुम? क्या तुम वहाँ से सीधे आई हो? हाँ बिल्कुल। तुमने ये काला ड्रेस क्यों पहना है गर्मियों में? क्योंकि सनम मुझे ये अच्छी लगती है। लैला वेलकम बैक। थैंक यू मिस्टर एमरे। अरे तुमने घर जाके थोड़ा रेस्ट क्यों नहीं किया? बहुत थक गई होगी ना तुम। नहीं नहीं मिस्टर एमरे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यहाँ आकर देख रही थी कि मेरे लायक कोई काम तो नहीं है। सनम तुम्हारा काम पूरा हो गया क्या? अरे नहीं मैं तो बिजी हूँ। ठीक है तुम जाओ अपना काम कर लो। आओ बैठो। ओह मिस्टर एमरे, मैं आपको इतनी सारी बातें हैं जो बताना चाहती हूँ। अरे ओ माय गॉड क्या हुआ? हाँ आप सब ठीक है? वो मिस्टर जान, क्या मैं जल्दी घर जा सकती हूँ? हाँ ठीक है, मैं कल तुम्हें पिक कर लूंगा, दोपहर में हम साथ में चलेंगे। ठीक है हाँ। लेकिन मिस पोलन का क्या, वो अकेली रह जाएगी? मेरा मतलब है आप दोनों फिर से साथ आ गए हैं और आप अगर ऐसा करेंगे तो वो अकेली पड़ जाएंगी। हम साथ में नहीं है सर। और तुम चाहती क्या हो? पीस।
आप इस तरफ जाइए। आपके आपके हाथ की जख्म अगर भर गई हो तो मैं अपना बैंडाना वापस ले लूं। अरे ये तुम्हारा बैंडाना कैसे हुआ? मुझे वहाँ समंदर के किनारे पड़ा हुआ मिला था, तो फिर ये तुम्हारा कैसे हुआ? और तुमने तो इसे छोड़ दिया था, इसे मैंने ढूंढा। मिस्टर जान, मिस्टर जान, प्लीज इसे छोड़ो, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। और मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रही हो वो सही है? तुमने अभी तक मुझे सच नहीं बताया। लेकिन ठीक है, मैं समझ गया, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, तुम्हें जो करना है कब, तो कल मिलते हैं। ओके बाय। ओके कल मिलते हैं मीटिंग पे, टेक केयर। आपने मुझसे सवाल पूछा और जवाब जाने के लिए तैयार ही नहीं। एमरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई एम रियली सरप्राइज्ड। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। ओके। पहले तुम आराम से बैठ जाओ। तुम लेवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना चाहती हो? हमसे हमारे कस्टमर्स क्यों छीनना चाहती हो तुम? मैं तुमसे कोई कस्टमर्स नहीं छीने हैं, मैं खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ। तुमसे दूर होकर मेरी सिचुएशन बहुत बुरी हो गई है, मुझे जॉब चाहिए, इसलिए मिस्टर लेवन से मीटिंग अरेंज की। तुम बिल्कुल वही हो, बिल्कुल नहीं बदली। क्या तुम्हें और कोई अलग कस्टमर्स नहीं मिलते हैं? मैं उससे एक महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट में थी, लेकिन तुम्हारे भाई ने सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं फाइनेंशियली बुरे दौर से गुजर रही हूँ, इसलिए। मैं जानता हूँ, और इसलिए सिविल ने बैंक से कॉल किया था, ये बताने के लिए कि तुमने अपना घर गिरवी रख दिया है। ये कैसे हो सकता है? वो ऐसा कैसे कह सकती है किसी को? मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या? मैं उससे अभी बात करती हूँ। आइलैंड प्लीज शांत हो जाओ। देखो ये घर मैंने तुम्हें खरीद कर दिया है, इसलिए उसे लगा होगा कि बता दूं। और कुछ बात नहीं है आइलैंड, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मुझसे मांग लेती, मुझसे क्यों नहीं कहा तुमने? तुम मेरे फोन कॉल तक नहीं उठाते, तुम मुझे स्ट्रेंजर मानते हो ना, तो तुमसे पैसे कैसे मांग सकती हूँ? घर के भी मत रखो। नहीं, मुझे ये घर नहीं चाहिए एमरे, तुम्हारे बगैर ये सब कुछ बुरा लगता है मुझे। शायद मैं इसे बेचकर किराए पर एक फ्लैट ले लूंगी। आइलैंड, तो क्या करूं एमरे? तुम्हें मुझ पर दया करने की जरूरत नहीं है, अब तक तुमने मुझे बहुत सपोर्ट कर लिया, अब मुझे तुम्हारे बगैर जीना सीखना होगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे ब्रेकअप चाहिए, थोड़ा सा वक्त मांगा था ताकि चीजों को मैं अच्छे से समझ सकूं। मैं तुम्हें जानती हूं एमरे, मैं जानती हूं कि तुम ये क्यों कह रहे हो। मैंने कभी इयररिंग इस तरह से देने का प्लान नहीं किया था, लेकिन अब मैं इसे और नहीं रख सकता। इयररिंग अभी तक सलीम के पास थी, अगर मेरा भाई देख लेता तो प्रॉब्लम हो जाती। इसे रखो अपने पास, और चाहो तो इसे बेच देना। मैं सोच रही थी कि तुम इयररिंग किसी और को दे दोगे, और अब तुम ये सब कर रहे हो एमरे। मैं इससे बहुत हर्ट हुई हूँ एमरे, तुम इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ। आइलैंड, एमरे तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, जब दिमाग शांत हो जाए तो कॉल करना, वेट करूंगा। मैं तुम्हें बिना वजह नहीं छोड़ूंगा, बस थोड़ा सा वक्त दो मुझे। Yıldaki çapkın
Kaldırımda baygın, sanata günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sanata günaydın.